मैट्रिक्स ओके। और अगर मान लीजिए आप इलेवेंथ का जो लास्ट लास्ट का टॉपिक था, इलेवेंथ के लास्ट लास्ट मतलब फेज थ्री में अगर आप जाएंगे तो बाइनोमियल, एलिप्स, हाइपरबोला और इसके बाद मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स ओके। अगर ये टॉपिक लेते हैं तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि एक एक क्लास का थ्योरी वाला है, मतलब बाइनोमियल भले ही दो क्लास बस लग जाए थ्योरी में, ये एक क्लास में ही होता है, ये भी एक क्लास, एक क्लास, एक क्लास और एक क्लास का भी 0.75 क्लास। तो इसमें से अगर आप देखोगे बाइनोमियल थ्योरम से एक प्रॉब्लम, एलिप्स हाइपरबोला मिला के दो या तीन प्रॉब्लम, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मिला के दो या तीन प्रॉब्लम, और स्टैटिस्टिक्स में से अगर आप देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में एक तो स्टैटिस्टिक्स मैंने नाम के लिए बोला है, काम के लिए मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो अभी तक जिनके बारे में बात नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स। एक्स्ट्रा टॉपिक्स एक स्टैटिस्टिक्स का बुकलेट मिलेगा आपको, उसमें वो सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं बस स्टैट लिख रहा हूँ। इट्स नॉट जस्ट स्टैटिस्टिक्स, इट कंसिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बुलियन, हाइट एंड डिस्टेंस एंड बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशंस और क्या होता है, सेट्स, रिलेशंस, हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, यही है। देखिए ये एक प्रॉब्लम 100% आएगा ही आएगा, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम 100% आएगा, ये एक प्रॉब्लम 100, मतलब इसमें डाइलेमा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कभी कोई साल छूट जाएगा कि इसका नहीं आया बोले आज, ऐसा होगा नहीं, असंभव है, मतलब हर पेपर में एक ये, एक ये, एक ये, तीन तो रहते हैं। अब अगर रिलेशन का आ गया तो उधर डोमेन रेंज नहीं आएगा, मतलब फंक्शन चैप्टर जो था ना, फंक्शन चैप्टर समझ गए, फंक्शन वॉज क्लब्ड विद रिलेशन, फंक्शन रिलेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन रिलेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों से मिला के एक क्वेश्चन आता है, मतलब या तो फंक्शन का हो सकता है डोमेन रेंज, टाइप ऑफ मैपिंग, इनटू ऑनटू वगैरह वगैरह, जो भी फंक्शन पढ़ा था, या इनवर्स फंक्शन या रिलेशन। जैसे पिछले साल का पेपर आप देखेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन तीनों मिला के, तो दे हैव आस्क्ड रिलेशन, और ऐसा पिछले साल का ट्रेंड मैंने देखा कि जैसे एक पेपर में रिलेशन का दिया है तो अगले में भी रिलेशन का ही दिया है, फिर अगले में रिलेशन का ही दिया है। इसका मतलब कोई बच्चा चालाकी करे कि जिसकी डेट पीछे है उसको दिख गया आगे वाले में रिलेशन का आया है, तो अब उसको फंक्शन छोड़ ही देना चाहिए नहीं आएगा तो छोड़ नहीं दोगे, मतलब फंक्शन की ज़रूरत वैसे बाद में भी आपको पड़ती है, भले डायरेक्ट प्रॉब्लम ना भी आए बट ज़रूरत तो पड़ती है, बट प्रॉब्लम नहीं आएगा ओके। अब इसका हो सकता है एक आए, ये बहुत रेयर है, ऑलमोस्ट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये बहुत कम चांस से आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में वो इसका तो नहीं देते हैं, प्रोबेबिलिटी में वो जेन्युइन कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा प्रोबेबिलिटी का ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप देखोगे तो एक या दो, एक या दो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक या दो, और बाइनोमियल थ्योरम से एक, या ये जो तीन टॉपिक है जिसको करने में आपको आधा घंटा से एक घंटा लगेगा, उस एक घंटे की पढ़ाई में या दो घंटे की पढ़ाई में यू कैन सॉल्व थ्री प्रॉब्लम्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो उसका आप सोचिए कि कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, या पीएनसी प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी यही दो से तीन प्रॉब्लम, पीएनसी प्रोबेबिलिटी मिला के दो से तीन प्रॉब्लम, बट डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दो से तीन। एलिप्स हाइपरबोला सड़ा सा टॉपिक है कि अगर आपको बस ट्रेसिंग पता है किसको क्या बोलते हैं और फॉर्मूले कितने हैं गिने हुए मात्र, टैंजेंट, नॉर्मल, अल्फा बीटा को जोड़ने वाला और हाँ अल्फा बीटा जोड़ने वाला कॉर्ड बस। हाँ आप बोलोगे सर वहाँ पे हाइपरबोला में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी था आखिर में और वो सब, वो मैंने कैलकुलस के लिए बताया था, हाइपरबोला से उसका प्रॉब्लम नहीं आता, कभी भी नहीं आता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कभी भी जेईई मेंस में नहीं आता, मतलब उस टाइप वाला नहीं आता, कौन वाला, वो जो भी था सीपी कॉमा सी बाई पी ले लो उसका नॉर्मल, वो जो बहुत दुखदाई टाइप का था डिग्री फोर वाला, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, जेईई मेन में कभी नहीं आता, एडवांस में आ सकता है, मेंस में नहीं आता। और उसका जो ग्राफ था ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी वाला है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो वाला जैसे आपको कैलकुलस में काम में आएगा, वो हाइपरबोला इस बिरादरी में नहीं आएगा यहाँ पे। तो आप देखोगे कि अगेन इम्पोर्टेंस वाइज पी एन सी प्लस प्रोबेबिलिटी
इज इक्वल टू एलिप्स हाइपरबोला। मतलब कोई बच्चा पीएनसी प्रोबेबिलिटी, मैं नहीं छोड़ा कह रहा उसको छोड़ दो, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द इंपॉर्टेंस, द टाइम वी गिव फॉर, जोड़ लीजिए इनका टाइम किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, करने में कितना टाइम लगा, कितना लगेगा, उसमें प्रॉब्लम कितने सॉल्व होंगे, उतने ही जितना एलिप्स हाइपरबोला डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में सॉल्व होंगे। आप समझ गए? तो अगर ये वाले टॉपिक का हम बात करें तो चलो दो दो चार एक पाँच, पाँच और ये तीन आठ, आठ प्रॉब्लम ये हो गए, और मैं आठ कह रहा हूँ, ये आठ मिनिमम है, दैट कैन बी फ्रॉम एट टू टेन, है ना, एट टू टेन रिलेशन भी मान लो एक आ गया, इधर भी एक आ गया, तो जो मैं अभी एट बोल रहा था वो इलेवन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है, एक लाइन में बनता ही बनता है, एकदम मतलब एकदम ही सड़ा, अभी मैं आपको 10 मिनट बता दूंगा तो सारे प्रॉब्लम बना लोगे इसको, 10 ही मिनट लगता है इसको पढ़ाने में, उतने में सारे प्रॉब्लम बन जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस सबको पता होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस फ्यू प्रॉब्लम्स, ट्राइंगल बना के जो होता है छोटी क्लास में, पता नहीं आपने किया है नहीं, जब चिड़िया उड़ रही है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, चिड़िया ऊपर से नीचे देख रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इधर से इतना उड़ी उधर, मतलब जस्ट साइन कॉस टैन यूज करके इक्वेशन फॉर्म होता है, एक प्रॉब्लम वो आता ही है। तो अभी जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स चल रहा है, जैसे डिटरमिनेंट में भी हम करेंगे क्रैमर्स रूल, 100% एक प्रॉब्लम आएगा। अब इतना श्योर तो कोई चीज़ का होता ही नहीं है कि आप कहें कि भैया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन फॉर्मूला पढ़ा था, एक प्रॉब्लम आएगा क्या, वी आर नॉट श्योर। क्रैमर्स रूल का पक्का आएगा, एक प्रॉब्लम आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं, मतलब अभी जो बात हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स स्टैटिस्टिक्स, मतलब बहुत ही कम टाइम में चैप्टर्स होते हैं, मगर आप इसमें 5 से 6 प्रॉब्लम्स, 5, 6 या 7 प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और पढ़ने का इनका सभी के लिए सबसे बढ़िया उपाय है क्लास नोट्स पैकेज, एंड देन प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम बाइनोमियल के सारे लगा डालो। एलिप्स हाइपरबोला लगाना ही है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स करना ही है, इसके भी सबको करने हैं। ये जो बुकलेट आपको मिलेगा ये वाला, इसमें सारे अभी नेक्स्ट क्लास तक प्रॉब्ली है, उसके बाद में एक दो दिन मिल जाएगा आपको, तो इसके भी आपको सारे लगा के जाने हैं। सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, बोले नहीं आई एम वीक इन कैल कॉम्प्लेक्स, चलो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। कर लो रिवाइज, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस, बिकॉज अगर प्रोडक्टिविटी का बात देखें, स्कोर का बात देखेंगे, जेई मेन स्कोर का, तो ये फिर बहुत क्रूशियल है। उस ज़्यादा क्रूशियल इसलिए भी है बिकॉज टाइम भी नहीं लगेगा ना, 8-9 क्वेश्चन बन गए, ऐसा नहीं है विद इन नो टाइम बन गए। मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए तो यही कर सकते थे, मैथ्स प्रोग्राम ने स्टार्ट किया, फट खोज लिया व्हाट प्रॉब्लम कहाँ है, उन्हें कर लिया, थोड़ा सा मनोबल ऊंचा हो गया, फिर बोले लाओ स्ट्रेट लाइन किधर है, फिर अब सर्कल किधर है, फिर सर्कल स्ट्रेट लाइन, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, ओके ठीक है चलो देख लें, एक आध कॉम्प्लेक्स नंबर पी एंड सी प्रॉबिलिटी देख लें, जल्दी बन जाएगा वो। मतलब इस तरीके से आप जाओगे तो यू कैन, अब कुछ तो फंस भी जाएंगे जो बुकलेट के होंगे, 2-3 प्रॉब्लम बुकलेट के हो जाएंगे ऐसे, जो आंसर उनसे आ गई, 10-11 इधर हो गया, 2-3 अगर आपने रिवाइज किया, 2-3 उधर से हो गए, तो फट इस तरीके से आपके 10-12-15 प्रॉब्लम हो गए, अब कुछ तो वहाँ पे बनाओगे ही। इस तरीके से 20 में आप जा सकते हो आराम से, 20+ स्कोरिंग में। तो ये जो टॉपिक्स हैं बेहद क्रूशियल है ये।